वेलकम बैक। आज का अपना टॉपिक है क्लास टेंथ चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1, जिसका इंट्रोडक्शन जो बेसिक है वो इंट्रोडक्शन वीडियो में करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, डायरेक्टली वीडियो पे आ रहे हैं, वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाकर के इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, ताकि 3.1 एक्सरसाइज आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है बच्चों अपना, हमें इन जो भी क्वेश्चन नंबर वन के दो पार्ट दिए हैं, दोनों का सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली निकालना है। पहले इक्वेशंस रेडी करनी है स्टेटमेंट से, और उसके बाद ग्राफिकली आंसर निकालना है। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़िए बच्चों ध्यान से, कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। देर आर 10 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स 10 दे रखें। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ये स्टेटमेंट आपको समझने की आवश्यकता है बच्चों, कि यहाँ पे कंडीशन दी गई है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखो, जब कभी भी आप स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाते हो तो सिंपल सी जो बेसिक बातें हैं वो आपको यूज करनी है। वो क्या क्या हैं बच्चों, देखो जहाँ कहीं इज वर्ड आ जाए तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल का साइन। मोर है तो उसके लिए यूज करेंगे प्लस, लेस है तो माइनस, टाइम्स है तो प्रोडक्ट। टाइम्स की जगह पे कई बार ट्वाइस आ जाता है, ट्वाइस का मतलब दो गुना, थ्राइस आ जाता है तो थ्राइस का मीन्स है बच्चों 3x या तीन गुना। 4 टाइम्स है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, लगभग आपका क्वेश्चन वहाँ से सोल्व आउट हो जाएगा। अब इन इस चैप्टर, जैसे चैप्टर का नाम सजेस्ट कर रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है वहाँ से पहले आपको दो वेरिएबल रेडी करने हैं, कि किसके लिए आपने वो दो वेरिएबल जो भी आप लेट करोगे, वो दो करैक्टर कौन कौन है वहाँ पे, तो करैक्टर के बारे में पता करना है सबसे पहले। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, सबसे पहले टोटल स्टूडेंट दे रखा है 10th, ओके, उसके 10 स्टूडेंट है, 10th की ही क्लास है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा दी गई है नंबर ऑफ बॉयज से, कहने का मतलब करेक्टर कौन है बच्चों, गर्ल्स एंड बॉयज, तो उन्हीं की संख्या हम लेट कर लेते हैं, जो फाइंड भी वही करना है तो वही चीज़ हम लेट कर लेते हैं सोल्यूशन में, कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल मान लिया हमने एक्स, लेट नंबर ऑफ बॉयज ये मान लिया बच्चों हमने वाई। अब आपको दो इक्वेशन बनानी है पेयर, यानी कि डबल दो इक्वेशन बनानी है इसी क्वेश्चन में से। एक इक्वेशन बनेगी बच्चों पहले ही सेंटेंस से, यहाँ पर 10 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं बच्चों 10, टोटल कैसे निकलेंगे गर्ल्स प्लस बॉयज करके, तो यहाँ पे लिख दो बच्चों कि टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना है बच्चों 10। टोटल स्टूडेंट में क्या क्या होंगे बच्चों, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों को ऐड करेंगे हम, तो वो कितना है बच्चों 10। बॉयज की संख्या हमने कितनी मानी है बच्चों वाई, गर्ल्स की संख्या कितनी मानी है एक्स, तो वाई प्लस एक्स कितना आ गया बच्चों 10। इसको इक्वेशन वन बना दीजिए, इसको इक्वेशन वन बना दीजिए। उसके बाद बच्चों आगे क्या करना है हमें, और सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, यहाँ से। नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की संख्या कितनी मानी है बच्चों हमने, नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स, अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साथ में हमें क्या दे रखा है बच्चों, ये स्टेटमेंट लिखनी है लिख दीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली इक्वेशन बना लीजिए। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि गर्ल्स की संख्या हमने कितना माना है गर्ल्स को एक्स, इज के लिए क्या यूज करना है इक्वल, फोर एज इट इज, मोर के लिए क्या यूज करना है बच्चों प्लस, फोर प्लस देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितना है बच्चों, बॉयज की संख्या कितनी मानी है हमने वाई माना है, यहाँ पे देख सकते हो, तो एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। यही बन गई बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे सबसे मेन काम यही रहना है कि स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनाने आनी चाहिए, ये कुछ बेसिक हैं, वहाँ पे आपको यूज़ करने की आवश्यकता पड़ सकती है।
एक बार जब आपके पास दोनों इक्वेशन आ जाए तो उसके बाद काम बिल्कुल इजी है। क्लास नाइन्थ का बिल्कुल बेसिक चीज़ें लगानी है। दोनों इक्वेशन के हम क्या रेडी करेंगे बच्चों, ग्राफ रेडी करेंगे। और ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, अच्छा पहले टेबल बनाते हैं उसके बाद ग्राफ बनाते हैं फिर सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। तो जो पहली इक्वेशन है बच्चों, या इसकी टेबल मैं यहीं बना देता हूँ। देखो ये तो ऑलरेडी एक्स जो है वाई की फॉर्म में दे दिया हुआ है यहाँ पे। तो एक्स इक्वल दे रखा है बच्चों कितना, 4 प्लस वाई के रूप में, और वाई एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। अब देखो इसमें y की वैल्यू रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू y के रूप में आपको दे रखी है। तो y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू होगी बच्चों 4, y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू होगी बच्चों 5। ठीक है, ओके, ये इक्वेशन यहाँ से आ गई। एक इक्वेशन, एक टेबल हम यहाँ से बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो दूसरी टेबल बच्चों हम यहाँ बना लेते हैं इधर। अच्छा यहाँ पे y प्लस x इक्वल टू 10 दे रखा है, तो किसी की भी वैल्यू निकाल लो। y कितना हो जाएगा बच्चों, 10 माइनस x उधर जा करके। तो इसकी टेबल बनाते हैं, x एज इट इज़, y कितना हो गया बच्चों, 10 माइनस x। तो वैल्यू किसकी पुट करेंगे बच्चों आपके पास, x की। तो अगर x की वैल्यू में 5 पुट करता हूँ तो 10 माइनस 5 कितना हो गया बच्चों, 5। अगर x की वैल्यू में 6 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 6, 10 माइनस 6 कितना हो गया बच्चों, 4। तो अब ये जो दो टेबल बनी है इनकी सहायता से हम क्या बनाएंगे बच्चों, ग्राफ। दोनों टेबल की सहायता से हम क्या बनाएंगे बच्चों, ग्राफ। सो लेट्स डू दिस दैट। तो चलो बच्चों इनको ग्राफ पे बनाते हैं। ये अपना फर्स्ट टेबल है, ये सेकंड वाली टेबल है। पहले टेबल वन को बनाते हैं। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, 5 5। तो पॉइंट आप ग्राफ कॉपी का यूज़ कीजिए अगर आप बनाने के लिए, तो 5 5 के लिए हम पॉइंट ढूंढते हैं। चलो यहाँ पर मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। तो स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जो है इस टाइप से आएगी। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया बच्चों, ये क्या हो गया अपना, 5 5। ठीक है भाई। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, 6 4। x की वैल्यू कितना है बच्चों, 6। होल्ड ऑन अ सेकंड। ये बच्चों 5 5 पॉइंट है। नेक्स्ट 6 and 4, वाई की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट हो गया। ओके, तो ये दोनों पॉइंट बनाते हैं और एक स्ट्रेट लाइन वहाँ पे बना देंगे हम। तो देखो बच्चों, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इस ये कौन सा है, 5 5, और ये क्या है बच्चों, 6 4। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना देते हैं बच्चों। लाइन मिलाना है आपको, ये लीजिए बच्चों। तो ये जो है सॉल्यूशन हो गया है पहली लाइन का। नेक्स्ट क्या करना है बच्चों हमें, तो इसके ऊपर ना इक्वेशन लिख दिया करें ज़रूर। जब भी आप लाइन बनाते हो ग्राफ के ऊपर तो उसके ऊपर इक्वेशन ज़रूर लिखा करें कि किस लाइन की इक्वेशन है वो। इसी प्रकार से बच्चों हम सेकंड इक्वेशन बना देंगे, सॉरी सेकंड लाइन का जो ग्राफ बनाएंगे। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, 4 0, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, 5 1, एक्स की वैल्यू 5 और
वाई की वैल्यू जो वन है, ये पॉइंट हो गया यहाँ पर आपका। अब इन दोनों को मिला देंगे और देखते हैं जो लाइन हमें ऑब्टेन होती है वो कहाँ पर मिलती है। दोनों पॉइंटों को मिला दो भाई, एक लाइन लगा दो यहाँ पे जहाँ पे हम दोनों पॉइंटों को मिला, जो दोनों पॉइंटों से होकर के निकलेगी। तो बच्चों देखो अब यहाँ पर ये बन गई अपनी सेकेंड लाइन की इक्वेशन। पहली लाइन कौन सी है बच्चों अपनी? पहली लाइन है ये वाली जहाँ जिसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। और ये जो इक्वेशन है ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन है जिसकी जो लाइन है सेकेंड लाइन के लिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए बनी है, जो कि क्या है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, कि जिस पॉइंट पर दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, कौन सा पॉइंट है बच्चों जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता देने हैं, वही आपका आंसर रहेगा। तो इसके एग्जैक्टली नीचे जो है एक्स एक्सिस की वैल्यू और इसके सामने जो है वाई एक्सिस की जो वैल्यू है, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू आएगी बच्चों, 7, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे बनने वाला है 7। और इस तरफ जो है आप देख सकते हो कौन सी वैल्यू है बच्चों, 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए भाई 7, 3। और यही तुम्हारा क्या है आंसर, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई, 7 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों, 7, और वाई की वैल्यू कितनी बच्चों, 3। यही आपको फाइनल आंसर लिख देना है। तो यानी कि 100 एक्स क्या है बच्चों, एक्स क्या माना था हमने शुरुआत में, देखो गर्ल्स, तो बोलो नंबर ऑफ गर्ल, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया बच्चों, 7। एंड नंबर ऑफ बॉयज ये कितना आ गया बच्चों, 3। वाई की जो वैल्यू आई है अपनी 3। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको सेकंड पार्ट जो है वो आपको इसी तरीके से करना है, यानी कि मेन काम क्या है आपका, इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बना करके टेबल बनाओ, टेबल से ग्राफ बनाइए, और ग्राफ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो जो सेकेंड पार्ट है उसमें मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा, ग्राफ जो है वो आपको स्वयं बनाना है। तो देखो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 7 pen and 7 pencil टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेर एज 7 pencil and 5 pen, ओके शुरुआत में है 5 pencil and 7 pen टुगेदर कॉस्ट ₹50 एंड 7 pencil and 5 pen जो है उनका कॉस्ट है 46। तो सबसे पहले करेक्टर या फिर आर्टिकल्स जो है यहाँ पे क्या दे रखे हैं, आपको दो आर्टिकल दिए हुए हैं, कौन, पेन और पेंसिल, तो उन्हीं का कॉस्ट हम जो है लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। आप बोलोगे कि लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट मान लिया बच्चों हमने कितना, ₹x। लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन, और एक पेन का प्राइस या कॉस्ट हमने मान लिया बच्चों ₹y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या है बच्चों, पहली कंडीशन है 5 pencil, अगर एक पेंसिल का किराया सॉरी मूल्य ₹x है, एक पेंसिल का कॉस्ट जो है ₹x है, तो 5 pencil का प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, 5x। मतलब अगर मान लो किसी भी एक, जैसे ये मार्कर है, एक मार्कर का प्राइस अगर मान लो ₹50 है, तो 2 का कितना हो जाएगा बच्चों, 100। कैसे पता किया, मल्टीप्लाई करके। 3 का कितना हो जाएगा, 150। 10 का कितना हो जाएगा, डायरेक्टली काउंट करेंगे तो 1 का 50 है तो 10 का कितना हो जाएगा बच्चों, 50 × 10। यानी कि क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल करते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल आता है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट किसका निकालना था हमें, 5 pencil का, तो 5 × 1 पेंसिल का कॉस्ट जो कि कितना है, ₹x प्लस टुगेदर यानी कि साथ में ही था, इकट्ठा कुल मिलाकर के 50 है, साथ में कौन है बच्चों, 7 pen, एक पेन का प्राइस कितना है बच्चों, y, तो 7 pen का कितना हो जाएगा बच्चों, 7y rupees। हम रुपीज़ को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं कि 5x प्लस 7y और ये कितने के बराबर है बच्चों, ₹50 के बराबर है। तो रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बच गई बच्चों आपकी, तो इक्वेशन बचती है आपकी 5x
प्लस सेवन वाई इक्वल टू फिफ्टी, फाइव एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू फिफ्टी। इसी प्रकार से बच्चों सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं हम, तो इसको इक्वेशन वन का नाम दे दो। तो इक्वेशन टू बनाओ बच्चों, अब वहाँ पे पेंसिल कितनी है, सेवन, एक पेंसिल कितने रुपीज़ की है, एक्स की, तो सेवन कितने की हो जाएगी बच्चों, सेवन एक्स। फाइव पेन है, एक पेन का कॉस्ट कितना बच्चों, वाई, तो फाइव का कितना हो जाएगा, फाइव वाई। टुगेदर यानी कि दोनों मिल करके कितने रुपीज़ में हमने परचेज़ किए हैं, 46। तो ये बन गई बच्चों आपके इक्वेशन नंबर टू। मेन काम यही था, इक्वेशन बनानी थी। अब यहाँ से भी एक टेबल बनाइए, यहाँ से भी टेबल बनाइए और आंसर प्राप्त कीजिए। अब इसमें आपको एक छोटे सा और मैं जानकारी एडिशनली दे देता हूँ कि वैसे तो टेबल हम पॉइंटों में भी बना सकते हैं, मतलब वैल्यू जो है, बट कोशिश किया करो कि आप ऐसी वैल्यू चूज करो जिसके रखने से ना दोनों एक्स और वाई दोनों वेरिएबल की वैल्यू कोई ना कोई इंटीजर के रूप में मिले। जैसे यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको जब हम सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों आप, कि हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 50 माइनस सेवन वाई उधर जा करके बच्चों माइनस हो जाएगा, डिवाइड में 5 इधर आ करके डिवाइड में हो जाएगा। तो जब भी हम टेबल बनाएंगे तो वो क्या रहेगा बच्चों, x इक्वल टू कितना है, 50 माइनस सेवन वाई डिवाइड बाई 5 और यहाँ पर है y। तो इसमें वैल्यू किसकी पुट करेंगे बच्चों, हम y की। और कितनी वैल्यू पुट करेंगे, अब देखो अगर आप ऐसे ही रैंडमली कोई भी वैल्यू चूज़ करते हैं, मान लो आपने चूज़ कर लिया 2, 7 y की जगह पे 2 रखेंगे हम, तो 7 2 जा 14, 50 माइनस 14 हो गया 36। अब 36 को 5 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आपको आंसर मिलेगा, जिसको ग्राफ के ऊपर ढूंढना मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है बच्चों, ऐसी वैल्यू रख के देखनी है जिससे y की वैल्यू भी इंटीजर के रूप में रखें और x की वैल्यू भी आपको फिर से इंटीजर आ जाए। जैसे कि अब हमें पता है 50 में से कुछ भी माइनस करें तो आंसर ना ऐसा आना चाहिए जो 5 से डिवाइड हो जाए। अब 5 से डिवाइड होने की पहचान क्या है कि लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो 7 की टेबल में देखो बच्चों, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 0 या 5 आते हैं, ऐसा है 35, कब 7 5 जाते, इसका मतलब y की वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं बच्चों हम, 5। y की वैल्यू अगर मैंने 5 पुट की तो उसके समय बच्चों x की वैल्यू कितनी आई है, देखिए ध्यान से, तो x की 7 5 35, 50 माइनस 35 15, 15 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया बच्चों, 3। उसी प्रकार से और कोई वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, 7 1 2 3 21 4 28 5 हमें रख लिए हैं, 6 रखेंगे, 7 8 नहीं, अब 10 रख सकते हैं हम डायरेक्टली, या माइनस 5 भी रख सकते, माइनस 5 भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो चलो 10 रखते हैं बच्चों एक बार के लिए, y की वैल्यू हम कितनी रख देते हैं, 10। तो उस केस में कितना होगा, 7 इंटू 10 कितना हो गया बच्चों, 70। 50 माइनस 70 कितना हो गया बच्चों, माइनस 20। माइनस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस 4। तो देखो वैल्यू आप कोशिश करो कि ऐसी वैल्यू चूज़ करो जहाँ से एक्स और वाई दोनों के दोनों कैसे किस फॉर्म में आए बच्चों, इंटीजर की फॉर्म में। इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स आपको निकालने हैं और फिर ग्राफ बनाइए। ये ऐसा करने से आपको किस चीज़ में मदद मिलेगी कि जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो वो ईजिली ड्रॉ हो जाएगा और वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है वो आप सोल्व करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हमें ना इक्वेशन पेयर दे रखे हैं और हमें वहाँ पर रेशो जो है उनको कंपेयर करना है, A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2, उनको कंपेयर करके पता करना है कि लाइनें, ये क्रॉस नहीं है यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं या पैरेलल लाइनें हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइनें हैं दोनों की दोनों, तो ये हमें पता करना है बच्चों। ओके, तो पहचान याद होगी आपको, बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया गया है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी बच्चे ने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, डायरेक्टली आप एक्सरसाइज 3.1 सोल्व करने के लिए आ गए हो तो प्लीज़ एक बार जाकर के इंट्रोडक्शन वीडियो देखें ताकि आप जल्दी से फास्ट जो है समझ सको इस एक्सरसाइज को। तो इंटरसेक्टिंग लाइनों को हम ऐसे बना सकते हैं, सॉरी कोइंसिडेंट लाइनों को।
तो चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले अब A1, A2, B1, B2, C1, C2 कहाँ से मिलेगा बच्चों? जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी है उनको कंपेयर करेंगे हम किसके साथ? जनरल फॉर्म के साथ। तो सॉल्यूशन करते हैं। पहला पार्ट, ये जो दोनों इक्वेशन हैं पहले यही लिखोगे आप, गिवन इक्वेशंस दोनों को, फिर नाम दोगे, इसको इक्वेशन वन नाम देंगे, इसको इक्वेशन टू नाम देंगे, फिर लिखेंगे कि कंपेयर इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे बच्चों? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू जीरो एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू जीरो रिस्पेक्टिवली। ओके, तो वी गेट क्या क्या मिलेगा बच्चों हमें, चेक कीजिए जल्दी से। पहली इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशियंट यहाँ पर a1 है, वहाँ पर कौन है? 5। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 5। b1 की वैल्यू बच्चों, y का कोफिशियंट -4 और c1 की वैल्यू बच्चों 8। उसी प्रकार से बच्चों a2 की वैल्यू कितनी हो गई सेकेंड इक्वेशन में? x का कोफिशियंट 7। b2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 6। और C2 की वैल्यू कितनी हो गई है बच्चों? -9। तो रेशियो कंपेयर करना है, यानी कि आपको A1 बाई A2 निकालना है। चेक करो बच्चों, A1 बाई A2, नाउ A1 बाई A2, A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5/7। B1 बाई B2 कितना है बच्चों? -4/6। सोल्व होकर के कितना आ जाएगा बच्चों? -2/3। देखो जब A1/A2 इक्वल नहीं आ रहा किसके? B1/B2, तो थर्ड रेशियो भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि बिकॉज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ऐसे पहचान किसकी होती है बच्चों? बेसिक वीडियो में सीखा था किसकी पहचान होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो बता दो कि सो द लाइन आर कैसी हैं बच्चों? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। तो ये जो दो लाइनें हमें दे रखी थी वो कैसे आ गई बच्चों? इंटरसेक्टिंग। देखो अगर कोई बच्चा भूल गया हो तो इंटरसेक्टिंग में क्या था? A1/A2 इक्वल नहीं आएगा बी, यहाँ बना देता हूँ बच्चों। इंटरसेक्टिंग लाइनों की पहचान क्या है? A1/A2 इक्वल नहीं होता है B1/B2 के। पैरेलल लाइनों की पहचान क्या है बच्चों? A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इन दोनों के बराबर नहीं होता है। और जिसमें तीनों बराबर होते हैं तो वो कैसी लाइनें होती है बच्चों? कोइंसिडेंट। जिसमें A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये बराबर है C1/C2 के, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में अब मैं डायरेक्ट लिखने का तरीका ये रखना है आपको हर एक क्वेश्चन में, यहाँ पे डायरेक्ट पता कर लेते हैं क्या है। A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6 है। B1 कितना है बच्चों? -3 है। C1 कितना है बच्चों? 10 है। A2 कितना है बच्चों? 2। B2 कितना है बच्चों? -1। और C2 कितना है बच्चों? 9। तो A1/A2 कितना आ गया बच्चों? 6/2, यानी कि 3/1। उसी प्रकार से बच्चों B1/B2 कितना हो गया? -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1। और C1/C2 जब आप देखोगे तो 10/9। देखो बच्चों ये कितना आया? 3/1। ये भी कितना है? 3/1। ये दोनों तो बराबर हैं, आगे 10/9 है जो कि इनके बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि बिकॉज क्या है? A1/A2 इक्वल है B1/B2 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। हेंस द गिवन पेयर ऑफ लाइंस, आर, ये पहचान किसकी है बच्चों? यहाँ से देख सकते हो किसकी पहचान है पैरेलल लाइनों की, आर पैरेलल टू ईच अदर। दैट इज इट। थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे जानकारी मैंने दे दी है कि किस कौन सा रेशो किसके बराबर होने से कैसी लाइनें आएगी, तो उसको देखते हुए क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
सो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है, यानी कि इक्वेशन आपको उसी तरीके से दी गई है, बस यहाँ पे जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले हमसे इक्वेशन भाई किस टाइप की है वो पूछा गया था, और आपकी बार पूछा है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो बच्चों ये भी हमने बेसिक में डिस्कस किया था कि कंसिस्टेंट कब होती है और इनकंसिस्टेंट कब होते हैं। कंसिस्टेंट कौन सी इक्वेशन थी बच्चों, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको दोबारा से कि जो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं वो कौन से हैं, यानी कि जिसके सॉल्यूशन निकलते हैं। सॉल्यूशन किस किस के निकलते हैं बच्चों, इंटरसेक्टिंग के, एंड साथ में किसका निकलता है बच्चों, इंटरसेक्टिंग का एक ही सॉल्यूशन होता है, और कोइंसिडेंट के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो यानी कि चाहे लाइन इंटरसेक्टिंग हो चाहे कोइंसिडेंट हो, यानी कि इंटरसेक्टिंग मतलब कि ए वन बाई ए टू इक्वल आना चाहिए बी वन बाई बी टू के, और कोइंसिडेंट यानी कि जिसमें तीनों के तीनों रेशो जो है वो बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तभी हम उनको कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है, और जो बच गया वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। यानी कि कौन बचा बच्चों, कौन बचा यहाँ पे, जो इनकंसिस्टेंट में कौन आएगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट में रहेगा पैरेलल। तो कहने का मतलब क्या है, करना अभी भी आपको रेशियो को ही कंपेयर है, क्योंकि रेशियो कंपेयर करके तो हम इंटरसेक्टिंग पैरेलल या कोइंसिडेंट के बारे में पता करते हैं। ओके चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन पांच पार्ट है, जिसमें से दो पार्ट में करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर वन पार्ट फर्स्ट और क्वेश्चन पार्ट थर्ड, बाकी पार्ट सिमिलर हैं तो आप स्यूम करेंगे। तो पहला पार्ट देखो बच्चों क्या है, 3x + 2y = 5। देखो जनरल फॉर्म में इक्वल टू जीरो होते हैं, तो जब कभी भी इस टाइप की इक्वेशन दे रखी हो तो सबको एक तरफ कर लिया करो, 5 इधर आकर के बच्चों किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, -5 = 0। ये आपकी इक्वेशन वन है। सेकंड इक्वेशन बच्चों, 2x - 3y = 7 इधर आकर के बच्चों माइनस में = 0। ये इक्वेशन टू है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से लिखोगे कि कंपेयर इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, a1x b1, किस किस के साथ कंपेयर करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 कितना मिला बच्चों, 3, b1 कितना मिला बच्चों, 2, इक्वेशन वन को इसके साथ, इक्वेशन टू को सेकेंड इक्वेशन के साथ, और C1 कितना मिल गया बच्चों, -5। A2 कितना मिला प्यारे बच्चों, 2, B2 कितना मिला बच्चों, -3, और C2 कितना मिल गया बच्चों, -7। होपफुली कंपेयर करना आप सीख गए होंगे यहाँ से। तो अब देखो बच्चों रेशो निकालो भाई, जब भी आप रेशो निकालोगे तो a1/a2 कितना आएगा बच्चों, 3/2, आपको पूरा लिखना है डिटेल में, वो जो कि फर्स्ट पार्ट में मैं करवा चुका हूँ, सेकेंड क्वेश्चन में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आपको वहाँ पर लिखना, वैसे यहाँ पर ऐसे ही है। a1/a2 ये आ गया, b1/b2 कितना आ गया बच्चों, 2/-3। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो क्या थर्ड पे जाने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहीं से आप लिख सकते हो कि बिकॉज क्या हो गया बच्चों, a1/a2 not equals to b1/b2, सो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर ऑफ, किस टाइप की लाइनों के हो गए बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और लाइन अगर इंटरसेक्टिंग हैं तो उनको हम कैसा कहते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट। तो साथ में कह दो कि सो द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त, यानी कि सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन में हम यहाँ तक सोल्व कर रहे थे, इंटरसेक्टिंग बता रहे थे या पैरेलल बता रहे थे या फिर जो कोइंसिडेंट है वो बता रहे थे। अब आपको क्या करना है, बस अगर इतना सा याद रखना कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट बोलेंगे, यानी कि पहचान क्या हुई, जिसके सॉल्यूशन निकलते हैं चाहे एक या अनेक तो वो कंसिस्टेंट, जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है बच्चों, थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, Thank you.
तो थर्ड पार्ट में बच्चों आप लिखोगे, अब देखो सिंपल है, बस कई बच्चे क्या होते हैं फ्रैक्शन में देखते ही कंफ्यूज हो जाएंगे। पहली इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो बच्चों, यहाँ पे तो सिंपल फॉर्म में दे रखा है, तो ये जो इक्वेशन है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाकी क्वेश्चन आसान है। एलसीएम ले लीजिए, टू और थ्री का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, सिक्स, तो यहाँ पे कितना हुआ बच्चों, टू ने सिक्स को थ्री पे कैंसिल किया, थ्री थ्री जा नाइन एक्स, प्लस थ्री ने टू पे कैंसिल किया, फाइव टू जा टेन वाई इज इक्वल टू सेवन, तो सेवन उधर जाएगा, सॉरी सिक्स उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो नाइन एक्स प्लस टेन वाई इज इक्वल टू फोर्टी टू, फिर फोर्टी टू इधर आएगा तो माइनस में, नाइन एक्स प्लस टेन वाई माइनस फोर्टी टू इक्वल टू जीरो, इतना हो गया बच्चों। अब ये इसको बना दो आप, यहाँ पर जाकर के इक्वेशन वन बनाइए, इक्वेशन टू ऑलरेडी आपको गिवन है, कितना नाइन एक्स माइनस टेन वाई इज इक्वल टू फोर्टीन है, फोर्टीन इधर आकर के बच्चों माइनस में हो जाएगा, तो ये इक्वेशन टू है। तो इसी तरीके से जब आप कंपेयर करोगे ए वन पहली इक्वेशन को ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो के साथ इक्वेशन नंबर टू को, तो आपको ए वन की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, नाइन, ए टू कितना मिला बच्चों, नाइन, बी वन कितना मिला बच्चों, टेन, बी टू कितना मिला बच्चों, माइनस टेन। रेशो जब निकालोगे सी वन सी टू भी लिख लेना पहले यहाँ पे, तो ए वन बाई ए टू कितना आ गया बच्चों, नाइन बाई नाइन, बी वन बाई बी टू कितना हो गया बच्चों, टेन बाई माइनस टेन, ये हुआ वन के बराबर, ये हुआ माइनस वन के बराबर। क्या वन और माइनस वन बराबर होते हैं, नहीं होते, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ए वन बाई ए टू, सो ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, और अगर ऐसा इक्वल नहीं है, रेशियो पहले दो इक्वल नहीं है, तो लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है तो बच्चों कैसी है, कंसिस्टेंट है, वो चीज़ आप साथ में लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व आउट कर सकते हो, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।